दिस इज शेविशा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिसिशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन बनाया था, ओके? तो सबसे पहले प्रिसिशन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन रिडंडेंसी में क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट लिंक कोरिलेटेड होती है। अगर हमें कोई भी फंक्शन बनाना है तो प्रिसिशन टर्म्स हमारा इम्पोर्टेंट होता है, ओके? अब कैसे होता है ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारा डिज़ायर्ड फंक्शन स्ट्रेट लाइन होती है और एक्चुअल पार्ट जो हमें मिलता है वो उससे थोड़ा अलग होता है, जिसे हम वेवी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके? इनपुट हमारा एक्स है और आउटपुट हमारा वाई के फॉर्म में एक्स के साथ फंक्शन है, ओके? सबसे पहले ये करने के लिए एक एग्जांपल हमने कंसिडर करेंगे, बराबर, कि इनपुट हमारा एक्स से मूव हो रहा है तो वाई हमारा एफ ऑफ एक्स से मूव होगा, ओके? अभी जिससे हम क्या करते हैं, मतलब इससे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड फंक्शन है वो एक वेवी फॉर्म में मिल रहा है मैथमेटिकली, जबकि हमें चाहिए था स्ट्रेट लाइन, ओके? तो प्रिसिशन पॉइंट्स क्या हुआ कि जहाँ पे एक्चुअल पाथ यानी स्ट्रेट लाइन और वेवी पॉइंट मीट्स, मतलब जहाँ पे पॉइंट मीट हो रहे हैं उसे हम प्रिसिशन पॉइंट बोलते हैं, कि जहाँ पे हमारे डिजायर्ड फंक्शन हमें मिल रहा है। सिमिलरली इसके अंदर एरर्स भी आते हैं कितने तरीके के, ओके? तो तीन टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, स्ट्रक्चरल एरर, मैकेनिकल एरर और ग्राफिकल एरर, ओके? तो स्ट्रक्चरल एरर किस तरीके से होती है, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस हमें मिलता है डिजायर्ड फंक्शन में और एक्चुअल पाथ हमें जो मिला उसे हम जनरेटेड पाथ मिला उसे हम स्ट्रक्चर एरर बोलते हैं, ओके? और मैकेनिकल एरर किस वजह से होते हैं, कि कंपोनेंट बराबर डिज़ाइन नहीं हुए हो, कास्टिंग में प्रॉब्लम आया, मशीनिंग में, उस वजह से। ग्राफिकल एरर मतलब किसी रॉन्ग स्केल, रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हमने किया हो, बराबर डायमेंशन लेके नहीं किया, तो ग्राफिकल एरर्स आती है। अभी स्ट्रक्चर एरर को रिड्यूस करने के लिए सेविशेव स्पेसिंग मेथड यूज़ होती है, एक एनालिटिकल मेथड है जिससे हमें प्रिसिशन पॉइंट मिलते हैं और वो पॉइंट से हम ये स्ट्रक्चर एरर रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।